प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों, राजस्थान जीके के एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास आपके सामने लेकर आ गए हैं, जहां पर राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है। बिल्कुल सभी अभ्यर्थियों को अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाना है। शासकों की यशोगाथा के साक्ष्य क्या कहलाते हैं? ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, यशोगाथा स्मारक। बढ़िया प्रश्न है, आंसर देना है सभी अभ्यर्थियों को कमेंट बॉक्स में। शासकों की यशोगाथा के साक्ष्य को दोस्तों प्रशस्ति पत्र बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं, एक मीनार मस्जिद कहां पर स्थित है? दोस्तों जल्दी जल्दी मैं आंसर बताता जाऊंगा ताकि क्लास लंबी ना हो और आप कम समय में ज्यादा फायदा उठा सके। एक मीनार मस्जिद कहां पर स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर पाली? तो दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए। एक मीनार मस्जिद की बात करें दोस्तों जोधपुर के अंदर ही स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, अशोक का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? अशोक का शिलालेख गणेश्वर से, बेराट से, आहड़ से, बालाथल से। अब देखिए दोस्तों, अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। अगर आपसे मौर्य वंश के किसी भी शासक की बात करें तो दोस्तों उनके जो साक्ष्य है, उनके शिलालेख है, सिक्के हैं, सब जो है वो दोस्तों बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को। गोरादाई, जादम, हंसाबाई या फिर नरुकी? जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। मारवाड़ की जो पन्नादाई है दोस्तों गोरादाई को बोला जाता है। दाई दाई से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, दाई दाई से आप इसे याद रख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, पांचवा है, मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध था। बहुत बार आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा, तो सभी को आंसर देना है राव गंगा, राव बीका, राव मालदेव या फिर राव चंद्रसेन। किसे जो है मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। राइट आंसर की बात करें, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा, विस्मृत नायक या फिर प्रताप का अग्रगामी भी बोला जाता है। इसलिए चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? बटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? भूपत बाटी, मंगलराव बाटी, राव जैसल या फिर मूलराज प्रथम? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? दोस्तों बटनेर के किले की बात करें, हनुमानगढ़ किले में यह स्थित है, ठीक है ना, और उत्तरी सीमा का प्रहरी जिस दुर्ग को कहते हैं वो हो जाएगा बटनेर किला। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, उत्तरी सीमा का, ठीक है ना, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो बटनेर के किले को कहा जाता है। इसका जो निर्माण है दोस्तों भूपत बाटी ने करवाया था हनुमानगढ़ जिले में। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मोकल को, रतन सिंह को, राणा सांगा को या फिर हमीर को? जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। मोकल, रतन सिंह, राणा सागा या फिर हमीर? तो दोस्तों मेवाड़ का जो उद्धार के हमीर को बोला जाता है। रट लीजिए प्रश्न को। अगला है, उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की है? सबसे पहले आपको याद रखना है उदयपुर की स्थापना किसने की थी? तो उदय सिंह ने की थी, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे। 1569, 1569, 1469 या फिर 1459, कौन सा जगह करेक्ट आंसर? तो दोस्तों उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में की थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रताप की आठ खंभों की छतरी कहाँ निर्मित है? दोस्तों ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि प्रताप की आठ खंभों की छतरी कहाँ है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आठ खंभों की छतरी कहाँ है, तो कहां पर है? चुलिया, चित्तौड़, चावंड या फिर बांडोली? महाराणा प्रताप की आठ खंभों की जो छतरी है दोस्तों बांडोली के अंदर स्थित है। बांडोली के अंदर ही स्थित है, जहां पर महाराणा प्रताप की समाधि भी बनी हुई है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दसवां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम बदलकर क्या रखा? ठीक है ना, जालौर का नाम बदलकर क्या रखा? जलालाबाद, खैराबाद, मिर्जाबाद, मोहम्मदाबाद? कौन सा जगह इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा था। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शब्द भेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था? शब्द भेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा या फिर जसवंत सिंह? कौन सा हो जाएगा बड़े आंसर, करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। शब्द भेदी बाण की बात करें दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान एक्सपर्ट था, और दोस्तों शब्द भेदी बाण का प्रयोग करके उसने मोहम्मद गौरी को भी पराजित किया था, इतिहास वेदा ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज चौहान इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्पूर मंजरी नामक नाटक के लेखक कौन थे? किसकी? कर्पूर मंजरी। विजयपाल, जयानक, राजशेखर या फिर फैजी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कर्पूर मंजरी की बात करें दोस्तों, कर्पूर मंजरी नाटक के जो लेखक है वो हो जाएंगे राजशेखर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, चरका संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? चरका संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1909, 1921, 1927 या फिर 1943? कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। चरका संघ की बात करें, 1927 में इसकी स्थापना की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए।
अगला है, एक ही आंदोलन किस जिले से प्रारंभ किया गया? एक ही आंदोलन किस जिले से प्रारंभ किया गया? चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ या फिर जयपुर? जल्दी से आंसर बताइए। बात करें दोस्तों एक ही आंदोलन की, तो चित्तौड़गढ़ जिले से यह प्रारंभ हुआ था और मोतीलाल तेजावत ने जो है इसका नेतृत्व किया था। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें, 1897 से 1941 तक चलने वाला यह आंदोलन था, जो कि 44 ईयर तक चला था, जिसमें विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था। आपसे पूछा गया है बिजोलिया किस जिले में स्थित है, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर? तो बिजोलिया जो स्थित है भीलवाड़ा में हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देखें, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? माही, सोम, जाकम या फिर बनास? दोस्तों इन तीनों नदियों के जो संगम है उसको बेणेश्वर संगम कहते हैं, ठीक है ना, उसको बेणेश्वर संगम कहते हैं, ठीक है ना, जो कि डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तो यह भी आपको याद रखना है। बात करें आदिवासियों की गंगा की, माही नदी को बोला जाता है। अगला है, वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? वन की आशा कौन सी नदी, जाकम, सोम, बनास या फिर चंबल? कौन सा जगह करेक्ट है जल्दी से बताइए। वन की आशा की बात करें दोस्तों बनास नदी को यह कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, पश्चिमी रेतीला मैदान किस कारक से अधिक प्रभावित है? कौन से कारक से जो है पश्चिमी रेतीला मैदान अधिक प्रभावित है? उच्च तापमान, मरुस्थलीय उच्चावच, मिट्टी की उर्वरता या फिर वर्षा का अभाव? जल्दी से आंसर बताइए। पश्चिमी रेतीले मैदान की बात करें दोस्तों, वर्षा का अभाव वहां का मेन कारक है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, कौन सा जो है वालरा कृषि का प्रकार है? स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, खाद्य एवं शुष्क कृषि या फिर पर्वतीय कृषि? जल्दी से आंसर बता दीजिए। बात करें दोस्तों वालरा की, तो स्थानांतरित कृषि का यह प्रकार है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? कौन से स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर या फिर जयपुर? तो देखिए दोस्तों, जोधपुर के अंदर हवाई अड्डा स्थित है, उदयपुर में हवाई अड्डा स्थित है, जयपुर में भी हवाई अड्डा स्थित है, लेकिन दोस्तों भरतपुर के अंदर आपका हवाई अड्डा नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 21वां है, ब्रज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएगा। इसमें से दोस्तों आज की क्लास में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो भी कमेंट में बताएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोज आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, कौन सा जगह करेक्ट आंसर? तो दोस्तों ब्रज महोत्सव जो है भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रेम विवाह का प्रचलन कौन सी जाति में अधिक है? कौन सी जनजाति में अधिक है किसका प्रेम विवाह का? भील, ग्रासिया, मीणा या फिर डामोर? कौन सा जगह करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। सभी अभ्यर्थियों को अपने अपने आंसर देना है। दोस्तों प्रेम विवाह का जो प्रचलन है ग्रासिया जनजाति में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखे, जूनागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में? जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों बीकानेर के अंदर यह स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़े, राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग को, उदयपुर को, जयपुर को या फिर कोटा को? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल मेलों की नगरी की बात करें दोस्तों डीग को बोला जाता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को आंसर देना है। दूसरा वृंदावन या फिर भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? आपसे यह भी पूछ सकते हैं दूसरा वृंदावन किसे कहता है या फिर भारत का पेरिस किसे कहते हैं या फिर सम्मिलित रूप से पूछ सकते हैं। तो कोटा, जयपुर, अलवर, उदयपुर, कौन सा जगह करेक्ट आंसर कमेंट में बताइए। बात करें दोस्तों राइट आंसर की, जयपुर को ही दूसरा वृंदावन और भारत का पेरिस बोला जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20-25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास यहां पर समाप्त होती है दोस्तों। ऐसे ही क्लासेज आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहां पर 80 से ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर राजस्थान जीके की एक एक महत्वपूर्ण क्लास शामिल है। तो जल्दी से जाइए, इस प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और राजस्थान जीके की बेहतरीन तैयारी कीजिए। बाकी क्लासेज भी जल्द अपलोड होने वाली है। तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियोज और क्लासेज आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई क्लास में, नई वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा।